पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट फायर से जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं रोक सकेगा इंशाल्लाह। ये क्या कर रहा है? ये तो देख रहा हूं। ओ भाई, उसे देखकर ऐसा लगता है कि ना हुकूमत का मसला मईशत है, ना कर्जा है, ना सर उठाती हुई दहशतगर्दी है, ना ही बढ़ती हुई बेरोजगारी है, ना दफन होती हुई मिडिल क्लास है और ना ही गरीबों की भूख और नंग है, बल्कि हुकूमत का इस वक्त सबसे बड़ा मसला जैसे नरेंद्र मोदी हमारा सिर्फ एक ही बिजनेस हो गए ट्रांसपोर्ट का, कहाँ का बिजनेस हो गए ट्रांसपोर्ट का, बीच में ना बोल जैसे नरेंद्र मोदी, बीच में ना बोल जैसे नरेंद्र मोदी, बीच में ना बोल। पहले आलमी मंडी में इजाफा तेल महंगा होने की वजह बताया जाता था, मगर अब डॉलर की महंगाई पेट्रोल को आग लगा रही है। एक साल में डॉलर 100 रुपए महंगा हो चुका है और 4 अप्रैल को डॉलर ने 288.62 रुपए की इंतहाई हद को छुआ। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। गजब हो गया भैया, गजब हो गया। पाकिस्तान ने नया इतिहास बनाया, नया रिकॉर्ड बनाया है, वो भी ऐसा रिकॉर्ड जिसको छूने की पाने की किसी की लालसा भी ना हो। अबे साले, वो ये कि पाकिस्तान में डॉलर रिकॉर्ड 288 रुपए चला गया। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। अपने मुल्क पाकिस्तान को डूबता हुआ देख के फिजा खलीफा की सांसें भर आई। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। बेचारी को सदमा लगा है, दुख लगा है। इस अचीवमेंट पे तो हिंदुस्तानी तो सारे खुश है, लेकिन पाकिस्तानियों का रोना तो बनता है भाई। हाँ भाई, हाँ। तो पाकिस्तान कैसे डूब रहा है, फिजा खान को क्या टेंशन हो रही है, तो सबसे पहले इसी का ही आनंद लेते हैं। क्यों नहीं, नहीं आलमी सतह पर सस्ता तेल भी अब हमें महंगा पड़ता है। सस्ता पेट्रोल तो ये हुकूमत क्या देती, फी लीटर दाम 282 रुपए की रिकॉर्ड सतह तक पहुँचा दिए गए। अच्छा, हर इजाफा महंगाई के नए सैलाब की राह हमवार करता है। डॉलर की महंगाई की बड़ी वजह IMF कर्ज में ताखीर है। अच्छा, वजीर आजम साहब फरमाते हैं कि फंड के पास कर्ज ना देने का अब कोई बहाना नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि ये थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि यार अच्छा 1 बिलियन दे दो, प्लीज यार देखो यार ऊपर वाले अल्लाह के नाम पे कुछ नहीं, नहीं। भीख मांगते हो, हक से मांगो, हक से लाहौरियों से कुछ सीखो, ये हक से मांगते हैं भीख। जैसे कि IMF की जेब में जो पैसा है, असली में इनका पैसा IMF का ही नहीं, वो अमेरिका का पैसा ही नहीं, वो पाकिस्तानियों का पैसा है और ये हक से मांग रहा है। पाकिस्तानियों का क्या, शरीफ खानदान का पैसा है। वो कह रहा है तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं, आपको बहाना नहीं चलेगा कि ये करो वो करो, अब तुम सीधा लाओ पैसे। ये कह रहा है शहबाज शरीफ। यार मैं इस बंदे को सलूट करता हूं, मैंने ऐसा भिखारी कभी नहीं देखा, यू नो हक से मांग रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से मदद की यकीन दहानी पर भी IMF से कर्ज का दूर दूर तक इम्कान नहीं है। अब लगता ऐसे है कि IMF सियासतदानों को अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहता है कि खर्चे संभालो, अमीरों पर टैक्स लगाओ और बजट में चोर रास्ते बंद करो, बीमार इदारों में सियासी भर्तियां करके अवाम पर बोझ ना डालो, सियासी बंदरबांझ और करप्शन बंद करो, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये देखिए, नो चॉइस, ये बोला कि पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं थी बट टू एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिक्ट कंडीशंस लेट फॉर, लेकिन अब ये नहीं चलेगा, ये चल बिना लाओ पैसा, तो इसने बोल दिया चल बिना उसको, ठीक है ना। IMF वो और कलाकार है, ये तो उसने IMF को बोल दिया कि चल बिना लाओ पैसा, IMF और कलाकार है। IMF ने बोला कि नहीं यार, दो चार चीजें और करके तो पहले भी मजा नहीं आया, जो आपको सऊदी अरेबिया और UAE ने बोला है ना, उसके बाद भी हमें मजा नहीं आया। और IMF ने बोला है कि पाकिस्तान has fulfilled the condition of arranging 6 billion financing to reach staff level agreement. अच्छा जी, बात क्या है इसमें समझो, पाकिस्तान को 6 या 7 अरब डॉलर वापस देने हैं बिल्कुल अभी अगले दो चार महीनों में, ठीक है। उसमें से 3 का तो जुगाड़ कर लिया भाइयों ने, 3 का जुगाड़ कर लिया, 2 सऊदी अरब ने दे दिया, UAE ने दे दिया, 3 का जुगाड़ हो गया। अब IMF कह रहा है कि भाई तुम्हें तो 6 वापस करने हैं, बाकी 3 का क्या होगा, या 7 वापस करने हैं तो बाकी 4 का क्या होगा, उतने और तो लेकर आओ, जाओ थोड़ा और भीख मांगो। हुकूमतें ये बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालती चली आई हैं, मगर आखिर कब तक? सियासतदान जब तक अपना किबला दुरुस्त करके ठोस फैसले नहीं करते, दुनिया हमारी मदद नहीं करेगी। जो कौम अपनी मदद नहीं करती, खुदा भी उसकी मदद नहीं करता। सैलाब में भी हमने यही देखा था और अब IMF भी हमें यही कुछ बता रहा है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी हमारे हुक्मरान समझने से कासिर है, नहीं समझ। मुझे पाकिस्तानियों के भीख मांगने के स्टाइल से मैं यार इतना ज्यादा इंप्रेस हूँ, आई लव यू शहबाज शरीफ, मतलब यू आर अ किंग, तुम राजा हो यार, तुम राजाओं की तरह भीख मांगते हो। सवाल बुनियादी ये है कि जो कुछ भी अमेंडमेंट्स हो रही हैं, जो भी तब्दीलियां आ रही हैं, जो महंगाई जो भी चीज़ हो रही है, वो IMF के कहने पर हो रही है। फिजा खलीफा जी, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता, मैं आपका दुख थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता हूँ। क्यों?
मैं चाहता हूँ कि आपको जो तकलीफ हो रही है, जो दर्द हो रहा है, ये थोड़ा दर्द और बढ़े। ठीक है जी। जिस कश्मीर का नाम लेकर आप अपनी पत्रकारिता में चार चांद लगा चुकी है, वही कश्मीर आज कैसा है, ये आज आपको दिखाऊंगा मैं। और रमजान के महीने में पाकिस्तान में क्या रेट है सब्जियों के और फ्रूट्स के, और श्रीनगर में क्या रेट है, तो ये भी देख लो फिजा खलीफा जी। ठीक है। पिछले हफ्ते में श्रीनगर में था, तो आने के टाइम पे मैंने वहाँ पे रिटेल शॉप से कुछ फ्रूट्स की, कुछ वेजिटेबल्स की रेट ली है। पाकिस्तानियों तुम इसके आगे मत देखना, नहीं तो तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा छोड़ के बेहतर उरों के पास रवाना हो जाएगा। ये श्रीनगर में संतरे का भाव है 180 रुपया दर्जन, वो 100 रुपया दर्जन। अंगूर, ये वाला अंगूर क्या भाव है? 120। ये 120। और काला अंगूर है 150 राजस्थान में, ये सेम भाव है। और पूरा कर दूंगा 100 रुपए का। और खरबूजा क्या भाव सर? देख लो खरबूजा हमारी इंडिया में कितना सस्ता है, देखो। और केला सर 130 रुपया दर्जन है केला। और सर आम, आम है 150 रुपए किलो। तो ये फ्रूट स्टॉल है, रिटेल शॉप है। और अभी रमजान का समय चल रहा है, इसके लिए थोड़ा सा प्राइस हाइक होगा, लेकिन रमजान से पहले तो रेट कम होंगे ना सर इनके? रमजान से पहले थोड़ा रेट कम होंगे ना? रेट बढ़ गया है। हाँ, रमजान में बढ़ जाता है ना रेट, डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ जाती है। तो अभी थोड़ा सा हाइक हुआ है रेट रमजान में, बाकी प्राइस एकदम होता था 80-70 रुपए दर्जन। अच्छा, आज यही 130-150-140। तो पाइन एपल भी है, पाइन एपल का क्या रेट है? 60 रुपए के जी है या 80 रुपए? 60 रुपए किलो पाइन एपल है। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। ये तरबूज बेच रहे भाई, और 100 रुपए किलो है। 100 रुपए किलो है। तो भैया जी ये 300 रुपए किलो सेब है, तरबूज लगाए हुए इधर। 100 रुपए किलो है। 100 रुपए किलो जो है अमरूद है, 300 रुपए किलो है भैया। ये कीवी कैसे दे रहे हैं? 400 रुपए किलो है। स्ट्रॉबेरी 300 रुपए किलो है। 150 रुपए किलो है भाई। ये खरबूजा नारंगी है ना, 300 रुपए दर्जन है। और ये है पपीता, 150 रुपए किलो है। 300 रुपए किलो। ये देख सकते हैं भाई काफी बड़ा अनार है। ये तो फ्रूट प्राइस है, अब देखिए आप वेजिटेबल प्राइस। ये जम्मू कश्मीर की, आप देखिए जम्मू में कितनी सस्ती सब्जी। ये तो पाकिस्तानी को ख्वाब है ख्वाब, ऐसी सब्जी लेना। तो खीरा 20 रुपए जी, गोभी 20 रुपए, कलम 30 रुपए, ये 30 रुपए। ये क्या भाई, हमारे यहाँ गांव पे कैसे ज्यादा सस्ता मिलता है पता है क्या आप लोग? भिंडी 100 रुपए, भिंडी 100 रुपए, बीन्स 80 रुपए, 80 से लेकर 60 तक। ठीक है जी। और ये कद्दू? कद्दू ये 20 रुपए का। और ये 30 रुपए, ये 30 रुपए किलो। लौकी बोलते हैं शायद, लौकी बोलते हैं। अच्छा, और ये साग 40 रुपए, ये 40 रुपए साग। और ये पत्ता गोभी? पत्ता गोभी 15 रुपए किलो। किलो क्या बात कर रहे हो, बिना मत ले लो। अच्छा, ये बैंगन? हाँ जी 25 रुपए। टमाटर 30 रुपए, 30 रुपए किलो, इतने बढ़िया फ्रेश टमाटर। मूली? मूली 30 रुपए किलो। किलो। और ये? ये पालक 40 रुपए। 40 रुपए। गाजर 30 रुपए। और प्याज का क्या भाव है अपने यहाँ पे? प्याज का रेट 50 का 2 किलो। 50 का 2 किलो। और आलू 25 रुपए किलो। 40 का 2 किलो। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया, अब आखिरी रस्म बची है कमेंट करने की, तो वो भी आप कर ही दीजिए। और लाइक टारगेट रख लेते हैं 12,000 लाइक। मुझे बताया आप करवाओगे तो हो नहीं, टारगेट रखने में क्या जाता है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो दोस्तों इसी के साथ जो वीडियो वो समाप्त होता है। एंड यार मैं कहना चाहूंगा ना कि पाकिस्तान और इंडिया की जो कंपैरिजन ना, मतलब करना ही नहीं चाहिए यार, करना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे हर चीज सस्ता है, वहाँ पे हर चीज महंगा है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते, मिलते हैं और वीडियो के साथ वापिस। और आप लोग अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना।